है, कितना पैदल चलेंगे बताइए। इतना लगा हुआ है कि बाइक जाने का भी जगह नहीं है, और हम लोग इनका गाड़ी ब्रेकडाउन हुआ है। भैया बताइए एक्चुअली में गाड़ी कैसे ब्रेकडाउन। जाओ जाओ टॉप गियर लगा के जाओ। गुड मॉर्निंग, आज का न्यू ब्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल में जितना भी भाई लोग आए हैं पहली बार, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए और ऑल वाला बटन प्रेस कीजिए, जिससे कि अगले चल के हम कोई भी वीडियो देंगे तो आपके पास पहुंच पाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए आज का दिन का शुरुआत करते हैं। और आज दिन के बारे में आपको बताना चाहते हैं, तो अपना गाड़ी एगो एक्सेल टूट गया है, 14 चक्का गाड़ी है। तो हम सुबह से फ्रेश होकर निकल गए हैं वो गाड़ी को काम करके निकालने के लिए। तो गैरेज में आप लोग को दिखा देते हैं, हम लोग का गाड़ी गैरेज में लगा हुआ है। ये सब गाड़ी रात में ट्रिप करके आके सारे खड़ा किया है, देख रहे हैं। और कुछ गाड़ी रोड में भी है, ये सब लोड किया हुआ है। तो कैसे आज हम जल्दी उठ गए हैं, इसलिए कि अपना गाड़ी रास्ते में ब्रेकडाउन हुआ है, तो हम उसको कैसे जल्दी निकालेंगे, इसलिए जल्दी फ्रेश हो गए हैं। तो अभी सुबह में तो दुकान नहीं खुला हुआ होगा, इसलिए अपना कोई गाड़ी से भी एक्सेल खोल के ले जाएंगे और अपना ये गाड़ी को निकालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं, और आज का दिन हम यहाँ से शुरू करते हैं, और आपको भी दिखाते हैं किस तरीके से आज का काम हम लोग के साथ होता है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिए। तो साथियों देख रहे हैं जाम बड़ी जोर लग रहा है, और हम लोग पैदल जा रहे हैं, और आपको दिखा रहे हैं कि बाइक जाने का भी जगह नहीं है। तो देखिए आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जाम लगा हुआ है। देखिए जाम इतना लगा हुआ है कि बाइक जाने का भी जगह नहीं है, और हम लोग पैदल ही निकले हैं। और ये जो जाम है कोयडा से जमड़ी जो रास्ता का है, चूना घाटी का जाम लगा हुआ है। और इस जाम में हमेशा रोज 1000 से ज़्यादा गाड़ी यहाँ से जाता आता है। और ये रोड कम चला हुआ है, और गाड़ी कंपनी रोड कम कर रहा है, और बारिश भी हो रहा है, और हम लोग निकले हैं अपना गाड़ी ब्रेकडाउन हो रहा है उसको निकालने के लिए। हम लोग ये जो ब्रिज देख रहे हैं, ये चूना घाटी का फ्लाईओवर ब्रिज है। तो हम लोग ऊपर से आए हैं, अभी ये देख रहे हैं ये सीढ़ी है। बाबू भैया अपना यहाँ पे सीढ़ी से चढ़ के ऊपर जा रहे हैं, तो हम भी इसी सीढ़ी में चढ़ के ऊपर जाएंगे। और आप लोग को दिखा रहे हैं ये कंस्ट्रक्शन काम चला हुआ है, देख रहे हैं किस तरीके से। तो चलिए हम लोग भी ये सीढ़ी में चढ़ के ऊपर जाते हैं उस पर, और उस पर हम लोग का गाड़ी ब्रेकडाउन हुआ है, और ये मेरा स्टाफ लोग भी है साथ में। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे चल के। सीढ़ी में देख रहे हैं किस तरीके से सीढ़ी है, सीढ़ी में चढ़ के दिखाते हैं। ओ भाई पकड़िए पकड़िए सीढ़ी को, गिर उड़ जाएगा तो फिर हो जाएगा कहा नहीं। देख रहे हैं दोस्तों ये सीढ़ी, तो बारिश के चलते जाम जो लगा हुआ है, इसलिए हम लोग इस सीढ़ी में चढ़ के जा रहे हैं। गिरेगा नहीं तो बहु भैया कहाँ के रखे। अभी चल रहे हैं अपना छोटे बाबू। चलिए अब हम लोग सफ़र करेंगे आरकेडी का जो कंस्ट्रक्शन काम हुआ है, चूनाघाटी का फ्लाईओवर। फर्स्ट टाइम हम लोग इसमें जा रहे हैं, और ये लोग देख रहे हैं किस तरीके से बना हुआ है बेहतरीन तरीके से। तो चलिए आज का इस बारिश के मौसम में हम लोग का जो परेशानी है, गाड़ी ब्रेकडाउन हो रहा है, और बारिश के दिन में भी होता है आपका गाड़ी ब्रेकडाउन। तो देख रहे हैं मेरे साथ में मेरा स्टाफ है, सारे आदमी, गाड़ी ब्रेकडाउन हो गया, इसलिए हम लोग फ्लाईओवर से चढ़ के ऊपर में आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग रोज़ का काम होता है, बारिश हो या ना हो, हम लोग का गाड़ी ब्रेकडाउन हुआ है तो उसको निकालने के लिए हम लोग नाकाम कोशिश करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अरे बाबू भैया ये कौन सा मशीन है जी, माल उठाने वाला ना। और इधर देखिए पहाड़ का क्या खूबसूरत है। ये जो रास्ता है ये अपना कोयडा से लेके रालकला जाने वाला चूना घाटी रास्ता है, और इस रास्ता कब बन जाएगा बोल के हम लोग, मेरे को नहीं, इस लाइन में जितना भी ड्राइवर भाई लोग चलते हैं सबको इस फ्लाईओवर ब्रिज को इंतज़ार है कि कब बनेगा और हम लोग शांति से इस रास्ते में गाड़ी चलाएंगे। तो ये रास्ता और लगभग साल भर में के अंदर हो जाएगा। और ये जो रास्ता देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से काम आधा होके है, और कुछ दिन बाद ये रास्ता हो जाएगा। तो यहाँ पे गाड़ी
बहुत अच्छा से चलेगा। साथियों हम हैं चुनागढ़ी फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे में और इधर देख रहे हैं सारे जाम लगा हुआ है, तो आप लोग को दिखा रहे हैं ये अपना गाड़ी ब्रेकडाउन हो के खड़ा था, तो हम लोग गाड़ी को रेडी कर लिए हैं लेकिन गाड़ी बढ़ नहीं रहा है, जाम है इसलिए हम लोग स्टार्ट करके गाड़ी को आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। और बड़ी जोर बारिश आ रहा है देख रहे हैं, और गाड़ी सब खड़ा हुआ है और हम भी खड़े हैं और मेरा स्टाफ लोग गाड़ी में है, तो जैसे बारिश छूटता है हम गाड़ी को यहाँ से लेके जाएंगे अपना गैरेज, फिर आगे काम करेंगे। देखिए किस तरीके से जाम लगा हुआ है, जिस दिन इस फ्लाईओवर रोड कंप्लीट हो जाएगा तो और इस रोड में चलने वाला जितना भी ड्राइवर भाई लोग हैं वो लोग सुकून का ज़िंदगी जिएंगे। देख रहे हैं जब तक ये फ्लाईओवर नहीं बना है तब तक परेशानी ही परेशानी है। अरे जाम तो बड़ी जोर लगा है जी, जाओ जाओ टॉप गियर लगा के जाओ। चढ़ पाएगा तो बाबू भैया आज अगर जाम हटा नहीं पाएंगे तो हम लोग आज रूम जा नहीं पाएंगे, इसलिए जल्दी जाम को हटाते हैं और फिर चलते हैं। अरे बाबू भैया देखिए ये गाड़ी के चलते जाम लगा हुआ है, ये गाड़ी तो चढ़ ही नहीं पा रहा है और हम लोग इधर से जाते हैं। देखिए साथियों ये गाड़ी इतना भारी लोड है और यहाँ ब्रेकडाउन हो गया है, देखिए गियरबॉक्स खुला हुआ है। यही गाड़ी के चलते आज चुनागढ़ी फुल जाम देख रहे हैं तो, और इतना भारी भरकम लोड है और ये मिट्टी रास्ते में जा रहा है तो गाड़ी कहाँ होगा, ब्रेकडाउन होगा नहीं तो चढ़ ही नहीं पाएगा, इसलिए पूरा जाम ही जाम है और सबको परेशान करके रखा। ये जो बड़ा गाड़ी दिखा रहे थे आप लोग को ये यूपी का भैया है, इनका गाड़ी ब्रेकडाउन हुआ है, भैया बताइए एक्चुअली में गाड़ी कैसे ब्रेकडाउन हो गया? ये जो है क्लिप प्लेट इससे चढ़ा गया था, चढ़ाई पे चढ़ नहीं पा रहा था गाड़ी, क्लिप प्लेट चला गया। तो साथियों भैया बोल रहे हैं कि एक्चुअली में अपना जो गाड़ी है जो भारी भरकम लोड है इसमें मिट्टी रास्ता था तो हाफ क्लच करके चढ़ाना पड़ता था, इसलिए भैया बोल रहे हैं कि मेरा क्लच प्लेट खत्म हो गया है और अभी काम शुरू हो गया है। काम शुरू हो गया, ठीक हो गया। आप इस रोड में पहली बार आए हैं कि और कभी आए थे? पहली बार आया, ठीक है आपको बता देते हैं ये मिट्टी रास्ता जब ख़त्म हो जाएगा तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, और हम लोग तो इसी रोड में हमेशा चलते हैं तो हम लोग को आदत हो गया है। पता नहीं था पहली बार आया। चलो भैया से मिल के बहुत अच्छा लगा, और बाबू भैया भी हैं अपना मिस्त्री जो कि हम लोग का गाड़ी भी ब्रेकडाउन हुआ था तो हम लोग काम कर लिए हैं, तो भैया तो अपना मिस्त्री बुला के काम कर लिए हैं। तो भैया यूपी से हैं, हम लोग का जो है जो यूट्यूब चैनल है बिस्ता कुछ नाम से, तो आप भी अगर देखिएगा तो आप इस तरीके से इस रोड बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं एक बार बोलिए जो ये आगे देख रहे हैं। चलिए भैया बोल रहे हैं कि इस रोड में आप अगर भारी भरकम लोड लेके आ रहे हैं तो नहीं आइए जब तक रोड नहीं बना है। तो भैया से मिलके बहुत अच्छा लगा हम लोग को कि भैया अपना मजबूरी यहाँ पे बताए, क्या करे ड्राइवर लोग के साथ भैया ऐसे ही होता है और हम लोग रोज इससे खेलते हैं। तो ठीक है जाम किस तरीके से लगा है, हम लोग अपना गाड़ी को बना के जा रहे हैं और पैदल, और इस पैदल में देख रहे हैं किस तरीके से कादो है, और बाबू भैया का हालत आज देखिए किस तरीके हो गया है पूरा कादो, और बाइक में हम लोग अगर आते हैं तो अपना चक्का आगे चक्का में पूरा फुल कादो घुस जाता और बाइक जाबो भी नहीं करता, इसलिए हम लोग पैदल गए थे और अपना गाड़ी रिपेयरिंग हो गया और उसमें और बहुत कुछ काम है तो हम लोग उसको गैरेज ले जा रहे हैं, खाली है गाड़ी फिर उसको लेके काम करेंगे।
देखिए साथियों किस तरीके से जाम लगा हुआ है, तो हम लोग पैदल चलते चलते थक गए, तो ताला के पीछे में चढ़ गए हैं, लटक गए हैं। देखिए किस तरीके से हम लोग जा रहे हैं। अरे क्या बताएं बहू भैया, आज तो परेशानी ही परेशानी है। देखिए दोस्तों किस तरीके से जाम लगा है, कितना पैदल चलेंगे बताइए। हमने आज अपना गाड़ी को ब्रेकडाउन कर जो हुआ था उसको रिपेयरिंग करके ले आए, तो जो ब्रेकडाउन हुआ था उसको दिखा नहीं पाया, इसलिए कि अपना जो गाड़ी काम हो रहा था उस टाइम में बड़ी जोर बारिश आया, इसलिए हम लोग दिखा नहीं पाए। लेकिन आप लोग को दिखाई कि किस तरीके से अपना इस ट्रांसपोर्टिंग रोड में बड़ी जोर ब्रेकडाउन होता है, रास्ते गाड़ी जाम लगता है, ये सब आपको दिखाए और किस तरीके से काम हो रहा था और हम लोग को किस तरीके से गए जाए और आए, ये सब दिखाए आपको। अगर थोड़ा सा भी आप लोग को ये वीडियो के माध्यम में जो चीज़ दिखाए अच्छा लगा है तो एक बार ज़रूर लाइक कीजिए और अपना ओपिनियन कमेंट करिए। और मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल वाला बटन प्रेस कीजिए, जिससे कि आगे चल के हम कोई भी वीडियो देंगे तो आपके पास पहुंच पाएगा और आप देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।